नमस्कार दोस्तों, आप बकरों के लिए किस तरह का सूखा चारा बना सकते हो ये आज के वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। उसके साथ में आप एक दिन में उसको कितना दाना दे सकते हो ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले एक खाली टब लेंगे, उसमें सबसे पहले हम जो सोयाबीन का चारा रहेगा उसको डालेंगे। तो सोयाबीन का चारा जैसे ये डाल देते हैं, इसके बाद हम गेहूं का चारा डाल देंगे। तो इस टाइप का आप डाल सकते हो। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देंगे। तो ये इस टाइप का मिक्स कर दीजिए पूरा अच्छी तरीके से, जैसे ये पूरी मिक्स हो गया है। थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे हम थोड़ा उस साइड से, ताकि पूरा चारा एक जैसा हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे ये बकरों की जो फीडिंग ट्रे रहेगी उसमें चारा हम ऐसे डाल देंगे, फिर इसको हम पूरा फैला दीजिए आप। अगर कोई सा भी अगर आप फीडिंग ट्रे जो आपके पास है, तो ये सूखा चारा बकरों के लिए बहुत लाभदायक रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि बकरों को एक टाइम सुबह या शाम को आप हरा चारा तो एक टाइम दीजिए और एक टाइम आप सूखा चारा भी दे सकते हो। तो ये दो मिक्स है, पहले सोयाबीन और गेहूं का मिक्स करके मैं एक फीडिंग का बना रहा हूँ बकरों के चारे के लिए। तो फिर ये जैसे अपन ने डाला उस पर अपन चारे पे ऊपर धीरे से थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ताकि बकरे उसमें फीका रहता तो उतना मज़ा नहीं आता उसको चरने में। तो आप नमक भी डाल दीजिए। तो नमक जैसे डालते हैं तो उससे यही फायदा रहता है कि बकरे उसको चिपूरा चारा खा जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप ऐसा गेहूं, मक्का और सोयाबीन का एक मिक्सर बना सकते हो। तो ये जैसे मिक्सर जो रहेगा तीनों का, सोयाबीन का मैंने कम डाला है, गेहूं का इसमें भी कम डाला है, मक्का सबसे ज़्यादा है। तो ये 3 से 4 किलो का बनाया है मैंने। तो आप ऐसा एक मिक्सर बनाइए और जो चारा वगैरह रहेगा बकरों का आपने बनाया उसके ऊपर एक लेप के टाइप का ऐसा बना दीजिए। तो वो चारे के जैसे, ये हमारा एक मिक्सर बना हुआ है, अब इसको मैं उसके ऊपर डाल दूंगा चारे के ऊपर। तो ऐसे चारे के ऊपर जैसे डाल दोगे तो उसके बाद में ये इस टाइप का डाल दीजिए। तो जिससे क्या रहेगा कि जो बकरे वगैरह रहेंगे उसको अच्छे से खाएंगे। तो दाना खाते टाइम जैसे वो दाना वगैरह खाते हैं उसके साथ में चारे को भी खाएंगे। तो ज़्यादातर सूखा चारा खाना पसंद नहीं करते, पर इस टाइप का आप लेप बनाइए दाने का और इस तरह का चारा आप खिला सकते हो। तो दोस्तों, इस जैसे ये मिक्सर आप बना सकते हो चारे का। इसके साथ में आप जैसे सोयाबीन के चारे के साथ में या फिर गेहूं के चारे के साथ में मसूर का चारा, फिर सीजन के हिसाब से आप जैसे कि चना जो है, चना है उसकी चोकर वगैरह जो है उसको भी आप मिक्स करके डाल सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चारा आपका बनाएगा तो वो सूखे चारे का भी इस टाइप का बनाइए और उसके ऊपर दाने का लेप रखे, तो चारा जो वो अच्छा से बकरा खाएगा और जैसे कि जो दाना रहेगा उसकी लालच में ये चारा भी खाएगा और उसका पेट भी सही भराएगा। और हरा चारा आप जैसे कि शाम को एक टाइम दे सकते हो, तो ये इस टाइप का आप बनाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और कोई सा भी अगर इस टाइप का अगर सवाल है आपके मन में तो आप प्लीज़ इस टाइप का कमेंट में डाल सकते हो। और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।